Hello everyone, this is Rohini and you are watching me on our official YouTube channel. So, पिछले दो चार दिनों से IELTS को लेकर IELTS में आ रही अपडेट्स को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स बच्चों के माइंड में क्रिएट हो रही हैं. स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में आ चुके हैं कि अब आगे क्या ब्रिटिश काउंसिल में जो उन्होंने एग्ज़ाम फिल किया था क्या वो एग्ज़ाम उन्हें रीबुक करवाना पड़ेगा, क्या उनके TRFs जो आएंगे क्या उनकी वैलिडिटी रहेगी. तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें की जा रही हैं कि IELTS का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, कहीं IELTS के एग्ज़ाम में चेंजेस आ जाएंगे, IELTS का एग्ज़ाम अब आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा. तो बहुत सी बातें हो रही हैं अब IELTS की अपडेट्स को लेकर. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि ब्रिटिश काउंसिल और IDP के मर्ज होने से आ रही हैं. जैसा आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश काउंसिल ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दी थी 1 जुलाई को कि फ्रॉम 25 जुलाई ब्रिटिश काउंसिल IELTS का इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज IDP ने ब्रिटिश काउंसिल की सभी सर्विसेज को परचेज कर लिया है. सो बेसिकली अगर आप भी IELTS का टेस्ट देने जा रहे हैं, सो 25 जुलाई के बाद आप खुद को IELTS टेस्ट के लिए सिर्फ IDP के अंडर ही रजिस्टर करवा सकेंगे. ब्रिटिश काउंसिल या IDP जैसी जो कन्फ्यूजन पहले स्टूडेंट्स के माइंड में रहती थी वो अब नहीं होगी. पर उन बच्चों का क्या जिन बच्चों ने 25 से पहले ही IELTS एग्जाम ब्रिटिश काउंसिल के अंडर बुक कर रखा था, क्या वो बच्चे अपना TRF जो रिसीव करेंगे क्या उसकी वैलिडिटी रहेगी, क्या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उनकी फाइल्स को आगे जाने के लिए क्या वो TRFs कंसिडर किए जाएंगे या उन्हें दोबारा से एग्जाम बुक करना पड़ेगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें दोबारा एग्जाम बुक करवाना पड़ेगा. ब्रिटिश काउंसिल की जो लास्ट एग्जाम हो रही है, जो लास्ट एग्जाम वो कंडक्ट करवाएंगे पेन पेपर बेस्ड केसेस में, वो रहेगा फॉर 10th of July. और इन केस अगर किसी ने कंप्यूटराइज टेस्ट बुक करवा रखा है तो उनके लिए वो टेस्ट होगा 24th of July का. और ऐसा भी नहीं है अगर आपने उसके बाद कोई डेट्स रखी हैं बुक करके, लाइक 1st week of August में अगर आपने कोई डेट चूज किया हुआ है ब्रिटिश काउंसिल के अंडर, तो वो एग्जाम आपको दोबारा से रीबुक करवाना पड़ेगा. आप उसी एग्जाम को दोबारा से बुक करवाएं, इससे बेहतर रहेगा कि IDP जो आगे सारी डिटेल्स हैं वो उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड हो जाएंगी. आपको सिर्फ अपने टेस्ट सेशंस को चेक करते रहना है, अपडेट्स को चेक करते रहना है, जो कि ऑटोमेटिकली एक नया IDP के थ्रू एक पोर्टल क्रिएट होने से आपको रिसीव हो जाएगा और आपको वहीं पे अपने टेस्ट के रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी. तो ये थी बात IELTS को रीबुक ना करवाने की, आप उसी पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे. पर क्या आपका TRF वैलिड होगा जो आप 10th of July के लिए रिसीव करेंगे? सो डेफिनेटली आपका TRF भी वैलिड रहेगा. ऐसा नहीं है कि TRF की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. 2 साल तक की जो उसकी वैलिडिटी रहती है वो एज इट इज रहेगी. आप कहीं पे भी उस TRF को यूटिलाइज कर सकेंगे बिकॉज TRF जो है वो बेसिकली IDP नहीं बनाता है, वो अल्टीमेटली कैम्ब्रिज ISOL की तरफ से ही आता है. सो ये माइंड में ये कन्फ्यूजन ना रखें कि आपको टेस्ट में आगे जाके प्रॉब्लम्स आनी पड़ेंगी या कोई फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. फॉर्मेट चेंज होने की जहां तक बात आती है उसमें अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आई हैं, और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी रिलेटेड टू एग्जाम कि एग्जाम में IDP कोई चेंजेस लेकर आ रहा है या नहीं, राइटिंग ऑनलाइन चेक होगी या नहीं, तो बहुत सी ऐसी बातें भी हो रही हैं पर ये चीजें अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं. जैसे ही फाइनलाइज होंगी आप हमारे ब्रॉडवे ATV के चैनल पे सारी अपडेट्स देख सकते हैं. इसके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें. कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी दे सकते हैं. कंफ्यूजन है अगर आपने टेस्ट के रिलेटेड तो डायरेक्टली आप टीम के साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9216780780 पे. धन्यवाद.